इस चीज से वो शौकत साहब ये मान रहे हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है दरअसल। पता है मोना, मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि ये हुकूमत को आप कोई भी सवाल कर लें, महंगाई पे कर लें, बेरोजगारी पे कर लें, इनकी इनकॉम्पिटेंस पे कर लें, इनकी फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कर लें, इनकी खारजा पॉलिसी पे कर लें, ये एक चीज कहते हैं। इनका एक रेटोरिक है, एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के जितने लोग हैं वो चोर हैं और वो एनआरओ मांग रहे हैं। कोई भी सवाल आप इनसे कर लें, जवाब आपको यही मिलेगा, भाई एनआरओ की बात ना हम कर रहे हैं ना हमें चाहिए। जहां तक न्याप का ताल्लुक है तो हमारे तो लोग जेल में हैं या जेल काट के आ गए हैं या जेल में हैं या जेल जाने वाले हैं। इनके जो लोग हैं जैसे जहांगीर करीम साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था, खुसरो बख्तियार को जेल में होना चाहिए था। अभी ये शौकत साहब यहाँ पर बैठे मेरे भाई हैं, मुझे बताएं कि इनके जो पहले वो एडवाइजर थे इंफॉर्मेशन पे जिनकी ऑडियो टेप भी पकड़ी गई थी कि कमीशन लेते हुए, वो जेल में है कि नहीं है? अगर सिंध का एडवाइजर होता ना इन्फॉर्मेशन पे अभी तक जेल में होता, वो कुछ नहीं पता। डीआरटी केस के ना पेशावर में हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि उसमें करप्शन है, उसमें रिपोर्ट है एफआईए की करप्शन है। फिर आप देखिए कि 35 दिन के अंदर अंदर वो बंद हो गई, 5 दफा उनकी गाड़ियों के अंदर से आग लग गई, उसके ऊपर कोई नहीं, ये खुद गए पेशावर हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। फिर आप देखिए मालम जब्बा का कॉन्ट्रैक्ट, जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनाब गैर आईनी तरीके से दिया गया, गैर कानूनी तरीके से दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो एनआरओ की जरूरत किसको है? ये बार बार एक ही यानी कि एनआरओ, मैं पिछले 2 साल से यही सुन रही हूँ कि ये ऑपोजिशन लोग चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, फीमेल एंड चोर है, और पिछले 1 साल से मैं सुन रही थी कि एनआरओ चाहिए। एनआरओ चाहिए, कभी आप फाटक के बिल पे बात करते हैं एनआरओ चाहिए, कभी आप इजाजत दीजिएगा मैं बैरिस्टर साहब पे इस पे क्विक व्यू आ जाए, फिर वी विल स्विच टू द सेकंड टॉपिक जो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में किया। माना जी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा मलम जबा, जरा मलम जबा केस बता सकती है शर्मिला के उसमें क्या है? सेहत का निजाम नाकिस क्यों है ये आपको नहीं बताएंगे? 1 करोड़